हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, आई होप आपकी क्लैट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके क्लैट के एग्जाम में। दिसंबर 3 को एग्जाम होने वाला है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी जी जान लगा के इसमें मेहनत कर लीजिए। आपको जरूर से जरूर एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा, गिवन दैट कि आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप कंसिस्टेंट रहे हो और आपने हार्डवर्क किया है। और इसके अलावा एक कंसर्निंग बात एक और है कि नंबर ऑफ सीट्स क्लैट में कम है, आप ऑलरेडी जानते हो, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा है। तो ये बात तो श्योर शॉट है कि सबका सिलेक्शन क्लैट में नहीं होने वाला है। तो ये थोड़ा सा हार्श रियलिटी इस एग्जाम का, लेकिन इसीलिए आपको अपने बैकअप ऑप्शंस भी अब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसी कुछ इंटेंशन से ये वीडियो हम लोग लेके आए हैं आप तक। और इस वीडियो में हम लोग एमएस सेट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैकअप ऑप्शंस होने वाला है अगर इन केस आपका क्लैट नहीं निकलता है। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि अगर क्लैट नहीं हुआ आपसे तो एक तरह से जिंदगी खत्म हो गई है, या बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी लाइफ पे, मतलब आगे के लॉ करियर पे, तो गाइज ये प्रिजम्पशन बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि क्लैट से, हाँ मैं ये मानता हूँ आपके लॉ करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, बट ये इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि मान लो क्लैट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आपका लॉ करियर बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लैट के अलावा जो बैकअप ऑप्शंस हैं, बैकअप कॉलेजेस हैं, वहां से भी लोग बहुत कुछ आगे जीवन में कर चुके हैं, बहुत बढ़िया उनका लॉ करियर बन चुका है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं एमएस सेट के बारे में। अब देखिए, जो एमएस सेट है, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का खुद का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। इसको यही स्टेट ऑफ महाराष्ट्र करवाता है थ्रू इट्स स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। अब इस एमएस सेट के एग्जाम के थ्रू आपको 3 ईयर के लॉ कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, 5 ईयर लॉ कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और महाराष्ट्र में अराउंड 130 to 140 ऐसे कॉलेजेस है जो ये एमएसएट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इंक्लूडेड है, प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्लूडेड हैं, और इन सारे कॉलेजेस की लोकेशन होने वाली है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अराउंड 100+ कॉलेजेस है, तो सारे अच्छे कॉलेजेस तो नहीं है, आपके इसमें 2 कॉलेजेस आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और ILS पुणे। तो इन 2 कॉलेजेस को आपको मेन टारगेट बना के चलना है कि हाँ, इनका कट ऑफ हम लोगों को अचीव करना है। अब इस एग्जाम का नोटिफिकेशन अराउंड दिसंबर टू जनवरी आता है, इसकी एप्लीकेशन अराउंड मार्च में स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल मई में आपको इसका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, और जून तक रिजल्ट और काउंसलिंग हो जाती है। तो यह है इस एग्जाम की टेंटेटिव टाइमलाइन। अब चलिए इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। तो बहुत बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहली बात तो कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, और आपको 12th पास होना चाहिए, अपियरिंग हो अगर तब भी दे सकते हो इस एग्जाम को, और अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके मार्कशीट में। SC ST कैटेगरी को हो तो 40% होना चाहिए, OBC कैटेगरी हो तो 42% होना चाहिए। अब एमएस सेट के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका पैटर्न भी काफी सिंपल सा है। 150 आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन का आप सही जवाब दोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, वही अगर आप गलत कर देते हो तो बहुत ही बढ़िया खबर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तब भी आप बड़े ही आराम से तुक्का मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इस एग्जाम में आपको मेनली 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है ये एग्जाम। इसमें नेमली वो सेक्शन है GK, मैथ्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब चलिए इन्हीं सेक्शंस के मार्क्स डिविजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका लीगल रीजनिंग हो गया और लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स ईच, और जो इंग्लिश है और GK है 30 मार्क्स ईच, और जो आपका मैथ्स का सेक्शन जो बच रहा है वो 10 नंबर का होने वाला है, टोटल 150। अब चलिए इन्हीं सेक्शंस के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लीगल रीजनिंग से। तो लीगल रीजनिंग में आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इन 40 क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि आपकी रीजनिंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जा सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जा सके। तो इसी बेसिस पे आपको बेसिकली यही लीगल प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शंस मिलेगा, आपको सही जवाब उसमें मार्क करना पड़ेगा। और इन चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वही IPC, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, इंक्लूडिंग लीगल मैगजीन्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, उसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को भी ऐसे फ्रेम किया जाएगा जिससे आपकी रीजनिंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जा सके। तो इसीलिए इसमें आपको वही स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, यही सब आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, यही सब आपको टॉपिक्स इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। और इसके बाद GK का सेक्शन है, GK सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, स्टैटिक GK भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी,
तो इसलिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री की भी, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सेक्शन के अंडर। इसके बाद जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम किया जाएगा जिससे आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज को चेक किया जा सके, आपकी ग्रामर चेक किया जा सके। तो आपको यहाँ पे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है, मतलब वही पैसेजेस बेस्ड, और ग्रामर के ऊपर जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। तो ये सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश के सेक्शन में। अब इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है मैथ का सेक्शन है। मैथ का सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होने वाला है, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें बेसिक मैथ्स मैथ्स के टॉपिक्स होंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गए, परसेंटेज, एरिया, वॉल्यूम, ये सब कुछ टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन आएगा तब आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रखने हैं, जैसे मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, ये सब हो गया। फिर लास्ट में आपको फी पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन फी पेमेंट आप कर सकते हो। और एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे, और वही अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको 400 रुपये या 600 रुपये देने पड़ सकते हैं। अब कुछ वेबसाइट पे 400 रुपये लिखा है, कुछ वेबसाइट पे 600 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। और इस एग्जाम के लिए अगर आपको 1 पॉइंट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। इसमें आपको MSET की भी तैयारी कराई जाएगी, CUET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। कोर्स की प्राइस है मात्र 7999, और इन कोर्सेज में आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड सेशंस भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा देखने को मिल जाएगा। आपको अगर इनकी फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप क्लैट पॉइंट ऐप को चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप इन कोर्सेज को अवेल करने से पहले डेमो क्लासेस भी ले सकते हो, सो एज टू डिसाइड कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट एग्जाम। थैंक यू।